गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हैं आपकी जिंदगी का प्रवास एकदम सुखर चल रहा होगा। अगर ये प्रवास सुखर चलना है तो अपने को लाइफ में ब्लेसिंग की जरूरत होती है, लाइफ में अपने को किसी के आशीर्वाद की जरूरत होती है, कोई तो भी शक्ति अपने पीछे चाहिए। अभी ये शक्ति कौन होती है, कैसी होती है? तो ये शक्ति भगवान की होती है। और ये ब्लेसिंग्स अपने को कहाँ से मिलती है? भगवान के दर्शन से मिलती है, बराबर है। जो लोग महाराष्ट्र से है उनको पता होगा वारी क्या होती है, दिंडी क्या होती है, आषाढ़ी एकादशी क्या होती है। लेकिन आपने बहुत सारी ऑडियंस है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, जो यूपी, बिहार, लखनऊ, दिल्ली से भी अपने व्लॉग्स को देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने चाहूँगा। पहले विष्णु जी का अवतार विट्ठल का मंदिर है पंढरपुर में, जो कि सोलापुर से बहुत नज़दीक है। और ये मंदिर में हर हिंदू वर्ष के आषाढ़ी महीने में, आषाढ़ी महीने के एकादशी को बहुत बड़ा उत्सव रहता है, बहुत बड़ी पूजा रहती है। मतलब ये पूजा वगैरह करना, जो पहले वहाँ पे लाइन लगती है, जो पहला किसान होता है उसके हाथ से, जो पहला पहुँचा हुआ किसान होता है उसके हाथ से पूजा होती है, और बड़ा मान वगैरह चीज़ होती है। और ये उत्सव के लिए, ये दर्शन के लिए महाराष्ट्र के हर कोने से, हर एक छोटे छोटे गांव से जितने भी मंदिर हो गए ना, वो मंदिर की पादुका है, भगवान की पादुका है, भगवान की पालखी पंढरपुर जाती है। और ये किसी बस में, ट्रेन में या किसी ट्रांसपोर्ट से नहीं जाती है, ये पूरे भाविक लोग जो भक्त रहते हैं वो पैदल चल के लेके जाते हैं। पहले तो कंधे पे लेके जाते थे, लेकिन फिर बाद में ग्रेजुअली बैलगाड़ी में लेके जाने लगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और टेम्पो, ट्रैक्टर या पालकी से लेके जाते हैं। लेकिन जो भी भाविक भक्त होते हैं वो पैदल चल के जाते हैं, फिर चाहे वो हजारों किलोमीटर का क्यों ना फासला हो। बहुत सारे लोग मन्नत भी मांगते हैं, अगर मेरी इच्छा पूरी होगी या मेरा जो भी काम है वो अगर पूरा हो गया तो मैं नंगे पैर चल के विट्ठल रुक्मणी के दर्शन लूंगा। तो ऐसे ही जब ये भाविक रास्ते से जा रहे होते तो इनका खाना, रहना, इनका जो भी है वो जिन जिन को पॉसिबल है, जो भी गांव से ये गुजर रहे, जिन लोगों को भी पॉसिबल है, जिन लोगों को भी इच्छा है मन में, वो ये सब चीज़ें कहते हैं। ऐसे अपने नेवासा में दौलताबाद की संत जनार्दन महाराज की दिंडी आती है, उनका शाम का चाय पानी और नाश्ता का जो भी होता है वो मम्मी पापा करते हैं। हाल ही में वो हो गया पुणे में, महाराष्ट्र की सबसे जानी मानी, सबसे बड़ी संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की डिंडी जो सबसे बड़ी होती है, और उसका बहुत ज़्यादा उत्सव पुणे में होता है। अपन पुणे में है अभी, तो अपने को ये सब मिलने, ये सब देखने का, ये सब अनुभव करने का और ब्लेसिंग्स लेने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आज संडे होते हुए भी हम लोग मस्त रेडी होके जा रहे हैं ये दिंडी का दर्शन लेने। बस बाइक पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे गाड़ी लगाने का वगैरह शॉर्ट नहीं रहता है, जाना आना ट्रैफिक भी बहुत रहेगा, बस स्कूटी पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहो और दर्शन लेने का सौभाग्य लो। मटकना मैंडेटरी वाला। और ये देखो गाइस, मेरे को तो देख लिया, और ये देखो खूबसूरत लड़की। ये थोड़ा सा फ्रेम में नहीं बैठ रही तू, लेकिन हाँ मेरे को ना चप्पल पहन लेते इसके नीचे कोल्हापुरी, लेकिन अगर कोल्हापुरी पहनूंगा तो चलने में दिक्कत आएगी, इसलिए अपन ने कंफर्ट पहने। हाँ कंफर्ट देखा, बारिश भी आ जाएगी, कोल्हापुरी बारिश में मेरे कितने हाथ हो जाएंगे। हाँ नहीं, इसलिए ठीक है ना, कंफर्टेबल। चलो छाता लेके जाएंगे। छाता है क्या? मैं यहाँ से आ गई, मुझे ये जियो की छाता की वजह से याद आया कि जियो ने भी रिचार्ज महंगा किया, मतलब जियो का रिचार्ज बढ़ गया है। किसने बोला था? मैंने सुना, न्यूज़ ये पकड़ मैंने सुनी। हाँ अपन ने जो पोर्ट कर लिया जियो में। हाँ ना, अब भी पोर्ट किया और रिचार्ज नहीं, एयरटेल और जियो दोनों का भी बढ़ गया। अरे होने वाला है ये, मैंने दो तीन बार सुना। दे इधर। क्यों, तू चलाओ ना यार। नहीं क्या यार,
नॉइस कैंसिलेशन मोड एक्टिवेटेड। मस्त मौसम, बारिश भी आनी चाहिए, एक नंबर। माइक के वजह से शायद फायदा हो रहा होगा, अगर बारिश आ गई तो बहुत मजा आएगा। ऐसा होगा, वाओ ब्यूटीफुल। अरे ये देखो आप दोनों, वाओ ब्यूटीफुल। 0.5 पे दिखा था। तेरा ये करना पड़ेगा वो नॉइस कैंसिलेशन, यहाँ से नीचे जाना है अपने को। ओके। वो कॉल करना पड़ेगा उसको, यहाँ से लेफ्ट ना। हाँ यहाँ से लेफ्ट। मराठी वीडियो याद आ गया मुझे मेरा, सो फिर मेरा मैंने ऐसी गाड़ी चलाई, वैसी गाड़ी चलाई, तो आ गया फिर कॉन्फिडेंट। मैंने ये किया वो किया, तो किया ना गाइस। चलाने में बहुत मजा आती है, बहुत ज्यादा। टू फोर व्हीलर से टू व्हीलर चलाने में मजा आती है गाइस। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं वृंदा का, वृंदा और विनायक दोनों आ रहे हैं, उन दोनों का हम लोग वेट कर रहे हैं। जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं तब तक आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, मस्त टाइम लैप्स लगाता हूँ। देखो कितना क्यूट है बेचारा, कितना क्यूट है, कितना गोड हाई कर रहा है। और अपने आज के इवेंट के मैनेजर अगेन हाई, पहले एक शूट लिया था वो नहीं आया तो ये दोबारा था, अगेन आए। ड्राइवर चेंज हो गया अभी, गद्दार है तू, गद्दार। मेरे को घर पे प्रॉमिस किया था यहाँ से लेके वहां तक पूरा मैं चलाऊंगी। मैंने कब प्रॉमिस किया था, कुछ भी आ रहा, ऐसे प्रॉमिस भी मिस कुछ नहीं करती मैं, गद्दार। ये पैन कार्ड क्लब रोड है क्या ये? काऊ यार तुम्हाला ओळखलं का? हो मग हो, आपण फ्रेंड आहे ना, अजून ओळख नाही झाली। फॉलो करा त्याला, फॉलो। बसड देखो बसड, अरे कितने जोर से चालू है, अरे चिल्लम चिल्ली चालू है। यहाँ से बाहर तक पूरा पैक, पूरा पैक यार, कहाँ से जाने का? गाड़ी से। रुक जा। एकदम फेस टू फेस चल रहा है। नगरी हम। नगरी अच्छा लोग। हो गया ना, फोर व्हीलर नहीं लाई, नहीं तो कहाँ से कहाँ अटक जाते अपन। क्या करना चाहते हो लोग? ये देखो कितना मस्त खेल रहे हैं ये लोग, छोटा सा यहाँ पे। अरे पैक डाले ना, बाप रे, ये ऐसी पालकी होती है। ये देखो सुस्वागतम, भारी ना, वृक्षवल्ली अमा सोए रे, जा रहा है क्या? बहुत ज्यादा ऐसा पीस, ऐसा मस्त लग रहा है, इतनी भीड़ है तो भी भारी लग रहा है पूरा, मतलब ऐसे पूरा ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शांति लग रही है, शांति भी लग रही है। और वो वाइब्स कौन से रहते हैं? पीसफुली ऐसे आध्यात्मिक वाइब्स आ रहे हैं पूरे की मंकी। आओ ये इनकी हाइट देखो, बाप रे, मेरे से भी हाइट ज्यादा है, मैं 6 फुट का हूँ, मेरे से भी ऊंचे है देखो, भारी ना। अजून एक यायची ज्ञानेश्वर महाराज, छोटी आहे, रिंगण ते तिकडे असत खेळा। खायला वाटतात
ये जो पालकी जा रही है ना, ये जो दिंडी है, ये संत तुकाराम महाराज की है और इतना अच्छे वाइब्स है यहाँ पे और संत ज्ञानेश्वर महाराज की और आना बाकी है। मस्त मजा आ रही है, वाइब्स एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम स्पिरिचुअल वाइब्स है, एकदम मस्त लग रहा है। मतलब कुछ भी थकान बिकान कुछ भी नहीं लग रही, पूरा एनर्जेटिक, अलग ही लेवल के वाइब्स है, अलग ही लेवल के। देखो सिर्फ भगवान का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं, मन में भी कुछ नहीं आ रहा, मुंह में भी कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ भगवान का नाम। देखो हर सब लोग वही बोल रहे हैं, सिर्फ ज्ञानोबा माउली तुकाराम, देखो पूरे वारकरी लोग सभी यही चल रहा है, मस्त एकदम। अंकल थैंक यू। ये देखो वाइब्स, देखो वाइब्स चेक कर, वाइब्स चेक कर, फील करो, फील फील, ये फील है ना, अलग ही है, अलग ही है भाई साहब, एक नंबर। बजाओ बजाओ।
गाइस थक गए, अभी थक गए। ये गौरांग का बलून है इसके हाथ में, पूरा पसीना वसीना निकला है और सुबह से कुछ मैंने खाना नहीं खाया, अभी जाके खाएंगे। थोड़ा सा चले तो थक गए और वो बाकी सब मवार करी लोग तो देखो हजारों किलोमीटर चलते हैं यार, अपने को आदत नहीं रहेगी अभी चलने की। थोड़ा चलने के बाद अपन ढुसन जाते हैं उन लोगों का, जाते कमाल है उन लोगों की, सच में सच में कमाल है। गाइस बारिश आ गई फाइनली, हम लोगों को चाहिए थी तो मिल ही गई। अफगानी आया, अफगानी है ना, अफगानी से नहीं आचारी है, अफगानी वाइट आता है। अच्छा, अरे क्या कर रहा है तू? क्या पूरी बनाई है? अरे वाह वाह, किती टाकले, हां गौरांगी टाकले ना, मी टाकले, किती छान दिसते। चमचा पाहिजे का तुला? या आया अफगानी, या आचारी, आचारी अपन टेस्ट कर रहे हैं और अफगानी हमेशा खाते हैं। बेसिकली मीडियम स्पाइसी चाप खाना असं ना, तुम्ही बंजारा किंवा आपला तंदुरी टिक्का हे ट्राय करतो। मीडियम स्पाइसी हे दोघी रेटमध्ये असतील, बंजारा असेल तो कमी रेट असेल। अच्छा, आणि तंदुरी टिक्का मीडियम स्पाइसी थोडा रेट असेल। ओके ओके ओके। तो गाइस इन लोगों का भी बाय बाय बोलते हैं और जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे नए एडवेंचर या नए चीज के साथ, आशा करते हैं। और गौरंग को स्पेशली बाय बाय, गौरंग क्यूट वाला बाय। मम्मी को बोलना जल्दी से, मम्मी पापा को बोलना जल्दी से नेक्स्ट प्लान बनाओ। ये मैनेजर है ना अपना, वो बराबर मैसेज करते हैं आम्ही उद्या इकडे चलले येणार का, बर मग विचार करा, डिस्कस करा, चलो भी चलेगा चलेगा। तो चलो अभी अपन भी घर पे जाते हैं, आप भी घर पे जाओ, मजा आई। एवढी मोठी मज्जा आली गौरांगला, एवढी मोठी, चार्ज होगी बैटरी, चार्ज होगी खाना खाने का। तो चलो गाइस अभी इन लोगों को बाय बाय करते हैं और अपन भी निकलते हैं। ये व्यू देखो गाइस, व्यू मस्त, मजा आता है। यहाँ पे मैंने पूरी खिड़की खोल दी है और यहाँ पे बैठ के एडिटिंग करता हूँ, मस्त वाइब्स आते हैं। और आते ये देखो, इसकी नींद डिस्टर्ब हो गई मेरे फ्लैश की वजह से। क्या नींद डिस्टर्ब हो गई तेरी? सॉरी सॉरी, ये सो गई बेचारी, थक गई थी, इसने काम भी किया था आज घर का पूरा, मैं रिलैक्स था, संडे के दिन था तो, और आके ये सो गई। अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा एडिट करने में, मैं भी थक गया हूँ, पता नहीं ये परसों आएगा शायद व्लॉग। सो जाओ अभी। हाँ, इसको पूरा मैं रॉ रखने की कोशिश करूँगा, मतलब ज़्यादा इसमें तामझाम एडिटिंग वगैरह ये मिक्स करके ऐसा नहीं, पूरा रॉ, क्योंकि वहाँ के जो साउंड है, वहाँ के जो वाइब्स है, वहाँ के जो क्या बोल सकते हैं, उनके गाने चल रहे थे, भजन चल रहा था सब, वो टाल चल रहे थे, मृदुंग चल रहा था, वो सुन के इतना भारी लग रहा है ना मेरे को। अभी थोड़ा सा मैंने क्लिप्स वगैरह देखा तो देख के मेरे को इतना मस्त लगा कि आप लोग वो एंजॉय करो, इसलिए मैं थोड़ा सा रॉ रखने की कोशिश करूँगा व्लॉग, और देखते कितना एडिट होता है, वरना सो जाते कल करते। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो किसी भी कारण पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हरि विट्ठल।